एंड वेलकम टू हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस वे पर लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए आदित्य सिंह जी पहली बार। ओ हो, और ये जो एक्सप्रेस वे है ये नागपुर से कनेक्ट करता है शिरडी और नासिक की तरफ, तो हम इसका सहारा ले रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्या बनाया है भाई साहब, क्या बनाया है, क्या रोड है यार, एक नंबर रोड है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम नागपुर से आगे रुके थे, रात में काफ़ी अच्छी नींद आई। देखो मौसम क्या सुहाना हो गया, रात में बारिश भी हुई है हल्की हल्की। मैं रेनकोट लेके नहीं आया, दो दो रेनकोट थे लेकिन एक भी लेके नहीं आया, मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे बारिश मिलेगी, लेकिन अच्छा है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा, अब आएगा मज़ा बहुत सारा। भाई साहब क्या रोड है भाई साहब, चले आ रहे हैं बस यार। हमने गूगल सेट कर लिया है आज का जो मेरा पड़ाव होने वाला है। मैंने रात में बहुत सोचा कि मैं कैसे कैसे जाऊँ, तो फिर मैंने आज तय किया है कि आज मैं पुणे जाऊँगा अपनी बहन के पास और वहाँ से कल जो है फिर मैं कवर करना स्टार्ट करूँगा अपने नए नए स्पॉट्स को। आज का डेस्टिनेशन हमारा पुणे होने वाला है, यहाँ दिखा रहा है मुंबई 766, लेकिन हम जा रहे हैं आज पुणे। अब देखते हैं इससे हमें कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ ये निकलेगा, कहाँ ये टूटेगा नहीं पता है आगे, लेकिन देख लेंगे जहाँ पर भी ये स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद। खैर जो भी है जैसा भी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो बस चलते रहिए और अपडेट कर देता हूँ। आज दूसरा दिन हो चुका है, 7 तारीख लग चुकी है, होली का दिन है। कन्फ्यूजन में जा रहे हैं कि आज होली है कल होली है, कहीं पर आज मना रहे हैं कहीं पर कल मना रहे हैं। मुझे इस हाईवे को देखकर लेकिन याद आ गई नोएडा एक्सप्रेसवे की। अब मुझे ये देखना है कि इस पर टोल कटता है कि नहीं कटता है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पर टोल कटता है, टू व्हीलर का भी टोल कटता है, आई थिंक 180 रुपीज़ कुछ है, लेकिन यहाँ पर देखना है यहाँ पर कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो मिलता हूँ फिर मैं आपसे। अभी रोड में क्या दिखाऊँ यार, ये इतनी प्यारी खूबसूरत रोड को देख लो। और भाई साहब चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और हो गया है पोपट, बहुत ही बड़ा वाला, मुझे लगा एक्सप्रेस वे है सब कुछ अलाव होगा, लेकिन वाह मोदी जी वाह, आपने दे दिया धोखा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर हिंदू हृदय सम्राट पर नहीं है गाड़ियाँ टू व्हीलर्स अलाउड। अब हमें जाना पड़ रहा है बूटी बोरी, और बूटी बोरी से फिर वर्धा जाएंगे, वर्धा से फिर कवर्धा जाएंगे, ऐसे ऐसे हमको जाना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से अभी अलाउड नहीं है फिलहाल, तो भैया पैसे ले लो यार, टेक द मनी मैन, पर जाने दो, ऐसा नहीं चलेगा यार, ये तो गड़बड़ मामला कर दिया यार, पूरे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। तो टू व्हीलर अलाउड नहीं है अभी, तो अपन जा रहे हैं यहाँ से बूटी बोरी और देखते हैं अब इसके आगे क्या क्या पढ़ने वाला है, आज क्या क्या सरप्राइजेस हैं पता नहीं है। और भैया छोटा सा कस्बा आ गया है, चाय पीना बनता है, लेकिन आगे कहीं रुकेंगे फिर चाय पियेंगे। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और आ गए हैं यवतमाल, बज रहे हैं सुबह के 9:15। यवतमाल महाराष्ट्र में आपका स्वागत है भैया, यवतमाल माले, आगे बढ़ के चलना भैया, उतरने की बारी, जिसको यवतमाल उतरना उतर जाए, अपन तो चले आ रहे हैं। हाईवे अच्छा है यार, हाईवे अच्छा है नो डाउट, और ट्रैफिक भी कम है, वो देखो वाह क्या बात है। अभी मैं बीच में रुका था चाय और एक क्रैक जैक ब्रेक के लिए, तो उसके पीने के बाद अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया, फ्यूल अप करा लिया था मैंने। और अभी ये मौसम का हाल कि बारिश की बूंदें कर रही हैं थोड़ी सी परेशान, क्योंकि हमारे पास रेनकोट होने के बावजूद हम रेनकोट कैरी नहीं किए हैं, और इस बार जो है बड़ा ही मौसम सुहाना हो गया, ये अच्छी बात है, बस ऐसे ही बना रहे, बारिश ना हो तो मज़ा ही आ जाएगा इस राइड पे, तो फिर क्या बात है। चले आ रहे हैं गाने सुनते हुए, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, पर आज होली का माहौल है तो मुझे लग नहीं रहा है कि आज खाने के लिए कुछ मिलने वाला है। देखते हैं आगे, फिर से एक और चाय ब्रेक लेंगे, बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा लगता है, या चाय बिस्किट चलेगी। अभी तो यहाँ से अपन को करंजा जाना है, करंजा के बाद मैकल करके जगह है वहाँ, फिर वहाँ से शिरडी से फिर संगमनेर होते हुए हमें पुणे पहुँचना है। तो अभी तो चले आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हालचाल आगे और होता है, बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओहो, लोग चने खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं यार, भाई मुझे भी कुछ खिला दो, भूख लग रही है बहुत तेज़। भाई रुक जा, खाना खा ले, देखते हैं आगे कहीं ब्रेक लेंगे एक छोटा सा अभी तो, लेकिन अच्छा मौसम है, बस इतना ही अपडेट करना था, मिलता हूँ आपसे आगे।
तो ताज़ा अपडेट ये है कि अभी हमने हाईवे पकड़ा हुआ है, और याद रखिए ये बार बार गूगल आपको ना हृदय सम्राट एक्सप्रेसवे पे लेके जाएगा। अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो आप टू व्हीलर मोड सेट करो या फोर व्हीलर मोड सेट करो, वो वहीं ले आकर पटक देता है और आपको फिर वापस आना पड़ता है। तो मेरे संग ऐसा दो तीन बार हो चुका है। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है, लेकिन खाने के लिए सारे ढाबे बंद हैं क्योंकि आज होली का माहौल चल रहा है। अभी जिस रोड से मैं जा रहा हूँ ये नेशनल हाईवे 161 है, और यहाँ से औरंगाबाद जो है 213 किलोमीटर ही बचा हुआ है। तो बस अभी तो चले आ रहे हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। हवा इतनी तेज़ है कि मतलब गाड़ी भी ना मेरी झटके से एक तरफ की तरफ जा रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा मूव कर रही है, बिकॉज हवा जो है वो राइट साइड से आ रही है। ओ भाई साहब, इतनी तेज़ हवा तो मैंने कभी देखी नहीं है। पता नहीं आज क्या हो गया महाराष्ट्र में, हवा पानी बीच में बरसा बहुत तेज। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, लेकिन मैंने कहा कि यार यहाँ पानी बरस रहा है ना, आगे नहीं बरस रहा होगा, और वही हुआ। अगर मैं रुक जाऊँ कहीं पर तो शायद वहाँ पर पानी ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बस आगे बढ़ते चलो। मालेगांव सूरत दिखा रहा है अभी, अभी तो हम चले आ रहे हैं, देख रहे हैं बस खाने का कुछ आइटम मिल जाए। रोड सुनसान पड़ी है, कुछ भी नहीं है, देख लो ये बस ऐसे सूखे सूखे जंगल हैं और कुछ भी नहीं है यार। ओ हो भाई साहब, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ रुकूँ, औरंगाबाद रुकूँ या पुणे ही चले आऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो चले आ रहे हैं। अभी यहाँ से मैंने गूगल सब बंद कर दिया, मैं दिमाग ख़राब हो गया था इतना ज़्यादा। गूगल ने इतनी बार मतलब हर बार ले आके वो समृद्धि हाईवे पटक देता है, हर बार दो तीन बार इसके चक्कर में ना मेरी वाट लग गई। तो मैंने डिसाइड किया कि अब गूगल बंद, और अब अपन सिर्फ लोगों से पूछेंगे रिमेंबर द स्पॉट्स, कि हमको सिर्फ जालना पूछना है या औरंगाबाद पूछना है और पुणे पूछना है, बस उसी से जाएंगे और कुछ भी नहीं है। चलो आगे कहीं मिलता हूँ खाने पे, यार भूख लग रही है, कोई खाना खिला दो मेरे भाई। तो फाइनली बज रहे हैं 1:30, हमने पेट कर लिया है फुल। यहाँ पर समझ लो जालना भी नहीं है, ये महकर से 30 किलोमीटर पहले कृष्णा रिजॉर्ट करा था, और वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया एक पराठे का, जिससे मेरा पेट जो है वो अच्छा भर गया है, मस्त बहुत अच्छे से मैंने ब्रेक लिया, आराम से आधा घंटा मोबाइल भी चार्ज कर लिया है। अभी वैसे मोबाइल को मैंने बैग में रख दिया पीछे, बारिश हल्की हल्की हो रही है तो रेन गियर्स मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ एक पॉलीथिन मेरे पास पड़ी हुई थी जिससे मैंने बैग को रैप अप कर लिया है, बाकी तो टॉप बॉक्स है ही अपना, तो इतना कोई इशू नहीं है। और अभी मैंने सोच लिया है कि यहाँ पर सिर्फ लोगों से पूछना है, लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप सीधे चले आओ, आप सीधे पुणे पहुंच जाओगे, बाकी तो सब चंगा है, माहौल एक नंबर है आज होली का। देखो भाई लोग रंगे घूम रहे, रंगे भाई, अच्छा है मौसम, अच्छा है। अगर गर्मी होती ना तो शायद और नींद आ रही होती और एफिशिएंसी कम हो जाती, लेकिन अभी एक चीज़ का फ़ायदा हो गया वो ये कि ये मस्त है, बस क्या मौसम, और इसके चक्कर में हो रहा है सब कुछ ऑसम भाई। ये समृद्धि हाईवे के चक्कर में ना बैंड मत जानी है, बता दे रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ना बाइकर्स को बहुत परेशानी होगी। राइडर्स के लिए नहीं है यार समृद्धि हाईवे, क्या हम टैक्स नहीं भरते, हम टैक्स पेयर हैं भैया, हमसे भी टैक्स ले रहे हो तो हमें भी यूज़ करने दो यार। अरे सही में ना क्या कर दिया है, चलो ठीक है जो भी है, अभी तो जा रहे बढ़िया इस टू लेन हाईवे पर, और ये अभी पड़ेगा जालना, यहाँ सर शायद 120-140 के आसपास है, फिर वहाँ से 180 के आसपास पड़ेगा औरंगाबाद। बारिश आ गई चालू, ये देखो बारिश चालू हो गई है। कोई नहीं चलता है, थोड़ा हल्के हल्के भीगते हुए जाएंगे और क्या है, बस पहुंच जाएंगे आज मुझे ऐसा लग रहा है, कितने मुझे नहीं पता। चलो मिलता हूँ आपसे आगे। तो क्विक अपडेट यह है कि दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ जालना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फ्यूल ब्रेक लिया था जहाँ पर मैंने फ्यूल भरवा लिया है, तो अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से औरंगाबाद की तरफ। और ये भाई पता नहीं क्या करने जा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आया था, और आई डोंट नो ये रेस लगाने की होड़ क्यों रहती है। आज होली का त्यौहार है भाई, आराम से घर जाओ और त्यौहार मनाओ, ये सब क्या है, मतलब आगे पीछे क्यों हो रहे हो। देखो ये आ गया, ये करना क्या चाह रहा है भाई, भाई ऐसे ही लोगों से अपन को रोड पे बच के रहना है, पता है, सिर्फ ऐसे लोगों से। ये मैं देख रहा हूँ बस तब से आगे पीछे हो रहा है, इसलिए मैं सोचा इसकी रिकॉर्डिंग जरूर की जाए। ये पता नहीं से गाड़ी का नंबर भी नोट करके भेज दूँ क्या, ट्विटर पे डाल दूँ क्या भाई का, जाने दो यार।
अपन राइड करने आए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल राइडर हैं और ये है पूरा जालना। तो जालना तो आ चुके हैं, अब यहाँ से औरंगाबाद। ओ भाई बचा बचा बचा, अरे बचा भाई, आज पक्का ना कुछ तो लफड़ा है इसके दिमाग में, इसके दिमाग में ना कुछ लफड़ा है भाई। क्या करना चाह रहा भाई, पूछ लूँ क्या? रहन दो रहन दो भैया रहन दो, इससे अपन इतना दूर चलेंगे, वो वहाँ चलेगा अपन यहाँ चलेंगे। खतरनाक आदमी है यार, खतरनाक। देखो कैसे देख रहा है, देख रहा देख कैसे रहा भाई है। भैया ये कौन था भाई? भाई बच के रहने का, चला गया भाई अपने घर। बहुत अजीब लोग आते हैं, बहुत अजीब लोग। देखा ऐसे भी हो सकता है आपके साथ, बच के रहिएगा। दो तीन बार कट मारा, मैं समझ गया कि कुछ तो लफड़ा है, फिर मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। और देखो रिकॉर्डिंग में भी वो ऐसे आगे पीछे रोक रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई। ऐसे ही लोगों से बच के रहने का अपने को। चलो यार जो भी है, अच्छा है, जैसे भी है, जा रहे हैं औरंगाबाद की तरफ। अभी भी मन कर रहा है औरंगाबाद रुक जाऊं, लेकिन नहीं, हम औरंगाबाद से आगे जाएंगे, आज हम पुणे पहुंचेंगे, मतलब पहुंचेंगे। चलो मिलता हूं आपसे औरंगाबाद में। ओके, तो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक लिया यहां पर मैंने चाय का। ये जगह है औरंगाबाद से कुछ पहले, और वापस फ्यूल अप होके यहां से बोला गया है कि 250 किलोमीटर दूर है अभी पुणे शहर, और बोल रहे हैं कि 4 लेन है। अगर 4 लेन है तो पेलम पेल है, 2 लेन है तब भी पेलम पेल है। हो चलो फ्यूल अप हो गए हैं, बढ़िया फ्रेश हो गए हैं। हेलमेट साफ करना बहुत ज़रूरी था, वो भी साफ कर लिया है। और बैक टू द रोड, अभी बज रहे हैं 4:15। ओहो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आराम से आराम से, गुस्से में नहीं यार, आराम से चलाओ गाड़ी। अरे पीछे से एक आ रहा भाई, बहुत गुस्से में है ये भाई साहब बहुत गुस्से में एकदम से आ गए थे। शिवसेना वाले भाई, डर के रहने का, बच के रहने का। चलो खैर जो भी है, जैसे कि मस्ती, बहुत मज़ा। ओए होए होए, ये क्या हो रहा है, चाबी धोखा दे रही है। लड़के लोग मस्ती में है भाई, आग लगे मस्ती में, मस्ती का मस्ती, मस्ती का हस्ती। तो बस मज़ा आ रहा है बहुत, और क्या बोलूँ मैं, ये धूप खिली खिली बहुत अच्छी लग रही है। सुबह जो भीगे थे, अभी इसने पूरा सुखा दिया अच्छे से। बस ये मौसम बिल्कुल सही, आज की राइड बहुत ही अच्छी रही मुझे लगता है, क्योंकि मौसम ने साथ दे दिया। हाँ ठीक है, भिगा तो दिया ही था, लेकिन अपन रुके नहीं कहीं पर, बस अपन कहीं पहुंच जाएंगे और मज़े करेंगे, और क्या है। औरंगाबाद यहाँ से 30 और पुणे एग्जैक्ट 250 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं पुणे की तरफ, पुणे कुटे आहे। बहुत एक्साइटेड, राइड हमेशा मुझे एक्साइट कर देती हैं, लेवल्स हाई कर देती हैं। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और फाइनली शाम के 6:30 बज गए हैं और मैंने अहमदनगर क्रॉस कर लिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मतलब कुछ तो पीना पड़ेगा यार, पानी पीना पड़ेगा या कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो पीना पड़ेगा। चाय भी पी सकते हैं, गला भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो गया है। फाइनली यहाँ से अब पुणे जो है वो 100 किलोमीटर रह गया है, और टाइम जो है वो हो रहा है अभी 6:40, और किलोमीटर्स हो गए हैं 891 किलोमीटर्स फ्रॉम जबलपुर। और आज के मैंने समझ लो 500-600 किलोमीटर कवर कर लिए। तो अब जो है वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर अपन करेंगे हॉल्ट कहीं पर बीच में रुक के, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अभी आगे रुकते हैं, तब आपको अपडेट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, जो कि बहुत ज़रूरी था। एक पानी पिया और चाय पी, मिसल पाव तो मिला नहीं, अफसोस। अब हम मिसल पाव जो है वो पुणे पहुँच कर ही खाएँगे, या फिर देखते हैं, महाराष्ट्र में हैं तो खाएँगे तो सही, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आएगा वो पल जब हम खाएँगे मिसल पाव। अब यहाँ से पुणे जो है वो 130 किलोमीटर दिखा रहा है जहाँ मुझे पहुँचना है, गूगल बोल रहा 4 घंटे। ओहो, तो अब देखना ये है कि यहाँ से कितना टाइम लगता है। लाइट जला लिया है, 130 है तो मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि अंदर ट्रैफिक बहुत होगा, बस मुझे डर उसी का ही है।
चलो देखते हैं, पहुंच के बात करेंगे। अब क्या रात में दिखा नहीं सकते ना, रात में क्या है, कुछ भी नहीं, रात में अंधेरा है, बस अंधेरा कायम रहे। चलो मिलते हैं आपसे आगे। फाइनली पुणे में एंटर कर चुके हैं और अभी भी जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो यहाँ से दिखा रहा है कि एक घंटा तो लगने ही वाला है कम से कम। बस अपन तो गूगल की सहायता से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब ये आज बस एक अच्छा काम कर दे कि आज ये पहुँचा दे बस, ऐसा है। क्योंकि अगर इसने आज दिन भर में इतनी बार धोखा दिया है ना, तो मुझे लगता है कि अगर आज इसने ये वाला काम अच्छा कर दिया तो बस इसके सारे पाप धुल जाएंगे गूगल के, और मैं इसको आज इनाम दे दूंगा, वरना मैं इसको ब्लॉक मार दूंगा। तो गूगल माता तुम पहुंचा दो ज़रा अपने डेस्टिनेशन पर। तो अब व्लॉगिंग को यहीं करते हैं समाप्त, और अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करना है, आराम करना है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया यार आज। वो समृद्धि माँ के चक्कर में ना वो गूगल को बोलना पड़ेगा भैया कि क्या हो रहा है, ये समृद्धि मार्ग जो है उस पर क्यों ले जाते हो बार बार, हमें उस पर मत ले जाया करो। हम बाइकर्स हैं, राइडर्स मोड में, राइडर को सिर्फ वहीं ले जाओ जहाँ पर राइड यानी कि बाइक अलाउड हैं, बस दैट्स ऑल। चलो अब मैं रखता हूँ यहीं पर, पता नहीं ये क्या क्या बोल रही है, मैं अगर मिस करके एक भी चुराया ना तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचेंगे फिर। ओके तो मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह एक नए सफ़र पर, एक नए एडवेंचर पर। कल से चालू होगा एक्चुअली में ना महाराष्ट्र एक्सप्लोरेशन डे, कल से चालू होगा। आज तो हम सिर्फ अपने डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन ही कवर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए, 12 घंटे से ऊपर चला रहा हूँ मैं यार, बताओ हद हो गई। गाड़ी में फ्यूल भी लग चुका है, एक दो पेचकस भी ढीले हो चुके हैं, मेरे भी नट खोल चुके हैं, सब टाइट करेंगे आज रात में अच्छे से। चलो मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।